सिंह के प्रशंसा मौका उस समय से के चाप सिंह की छुट्टी पूरी हो जाती है, ड्यूटी के लिए चाप सिंह चलने लगता है। उसके घर में उसकी घरवाली श्यामवती चाप सिंह का आगे घेर लेती कि महाराज सासू देवर जिठानी ननंद कोई भी घर के अंदर नहीं है, मेरा किस तरीके से मन लगेगा आपके बगैर। तो चाप सिंह समझाता है कि ये तो कहने की बात होती है, इस औरत जात में कैसे कैसे दोष पंडित जी ने बताए, और साथ में वो पतिव्रता श्यामवती बताती कि महाराज ऐसा नहीं है जैसे दोष आप औरत जात में गिनवा रहे, इनमें गुण भी बहुत है। तो कैसे पंडित जी लक्ष्मी ने एक रागनी के द्वारा लिखा, क्या लिखा आप लोगों के सामने पेश करते हैं। अरे टंटे जगड़े करे बहुत सी और घर गुण बे के सामी जितने भी मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आपने फरमाइश तो की है, लेकिन भाई रंगकाट में आपके प्यार में रागनी सुना रहे हैं, क्योंकि रंगकाट ऐसी होती है दोनों कलाकारों की आपस में झपट हो जाती है। लेकिन ये भाई मुझसे सीनियर कलाकार हैं, उम्र भी ज्यादा है और मैं सम्मान भी करता हूँ, तो आपकी फरमाइश एक रागनी की जरूर पूरी करेंगे, बाकी रागनी आप चार चार सुन लो, पांच पांच सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक रंगकाट ऐसी चीज होती है जो कि कंपटीशन नहीं होती है, आप प्रोग्राम में आपने फरमाइश करी, आपकी इज्जत करते हैं, तो एक रागनी आपके सामने सुभाष चंद्र बोस के किस्से से रखूंगा। और मौका उस समय से कि जब सुभाष चंद्र बोस लड़ाई के लिए लाहौर पहुंच जाते हैं और एक भटियारी की सराह में रहने लगते हैं, और भटियारी रात के समय में
सुभाष चंद्र बोस को मारने के लिए चल देती है, क्योंकि उन पे कुछ मोहर असरपियां थी। प्रेमी साथियों, जैसे ही बिस्तर के पास पहुंचती है, तरवाल निकाल कर मारने लगती है, आंख खुल जाती है सुभाष चंद्र बोस की। कहने लगे, तू क्या कर रही है, तू तो मारने के लिए मुझे आई है, लेकिन जितनी सारी मोहर असरपियां हैं मैं तुझको यूं ही दे दूंगा, लेकिन मेरी जान बख्श दे। और एक बात के द्वारा प्रमाण देने लगते हैं और क्या कहने लगते हैं, भला रागनी में के लिखे, भला कैसे। हेरे धोखा देके परदेसी में डाटा ना करते, यारा कर Oh!
तुझे पता है भटियारी, सात जन्म तक पाप नहीं छूटता। उस भटियारी को समझाने लगते हैं और दूसरी कली में कवि ने के दर्शाया वाला के बहा। अरे कीड़े पड़के हो, अरे कीड़े पड़के मरिया करे, जो घात करे प्यारे का, सबसे मोटा जुलम बताया दया धर्म हारे का। ओ तीन जन्म लो पाप छुटे ना मानस के मारे का, घूट भरे जब पता चल जा मीठे और खारे का। जिक्र करता हूं, जिस समय बालभीन नाम का एक डाकू हुआ करते थे, जिनको आज इतिहासों में वाल्मीकि जी कहा जाता है, ऐसे बड़े संत हुए, लेकिन किस कारण हुए कि जब बालभीन कत्ल करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं, तो एक रोज का जिक्र, एक संत महात्मा जंगल से गुजर रहे थे, उनको पकड़ लिया और मारने के लिए तलवार उठाने लगते हैं। संत महात्मा हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि भाई बेटे, मेरी जान बकस पे बात कहना चाहता हूं कि जो तू पाप करता है, जो कत्ल करता है, क्या इनमें तुम्हारे घर वाले शामिल हैं? बात दिमाग में नहीं आई कि भाई क्या बात कह रहा है, लेकिन
दोबारा दोहराया संत महात्मा ने कि भाई जो तू कत्ल करता है क्या इनमें तेरे घरवाले शामिल हैं? और अगर तुझे मैं मार ना हूं तो मुझे इस पेड़ से यहीं बांध जा, क्योंकि मैं तुझे यहीं मिलूंगा। साथियों, बात समझ में आ जाती है। अपने परिवार में जाता है और पिताश्री के पैर पकड़ के बोलता है कि जो मैं पाप करता हूं कत्ल करके लाता हूं, आप लोगों को खिलाता हूं, क्या आप मेरे इन पापों में शामिल हैं? पिताजी ने मना कर दिया। फिर माताजी के पास पहुंचता है, माता ने भी मना कर दिया। फिर अपनी घरवाली के पास पहुंचता है, वो भी मना कर देती है। उसी टाइम हाथ से शस्त्र छूट जाता है और साधु संत जो वहां पर थे उनको हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है कि महाराज, आज से मैं उस परमपिता परमात्मा का नाम लेऊंगा, क्योंकि कोई भी अपना नहीं है। इस तरह से भटियारी को समझाते हुए तीसरी काली कली में क्या कहते हैं, बड़ा कैसे घर जाना चाहिए करके आदर मान बुला ले।